उषा पटेल गार्डन एंड ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं उषा पटेल, आपकी गार्डनिंग दोस्त। कैसे हो? फेब्रुआरी महीना शुरू हो गया है, अब काफ़ी दिन बीत चुके हैं, तो हम हमारे प्लांट में अभी क्या क्या काम कर सकते हैं? सारे प्लांट में हम गुदाई कर सकते हैं कि कटिंग कर सकते हैं, पिंचिंग कर सकते हैं, खाद दे सकते हैं और एक में से पौधे को अनेक भी बना सकते हैं। तो आज मैं स्पाइडर प्लांट की रही हूँ। इस स्पाइडर प्लांट की हमें कैसी केयर करनी चाहिए, कौन सी खाद देनी चाहिए और एक में से अनेक बनाना है, तो इजीली मैं आज आपको ऐसा आइडिया दूंगी कि आपको कटिंग भी नहीं करनी है, पिंचिंग नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है। वे कैसे करना है मैं बाद में बताती हूँ। और ये प्लांट मुझे गिफ्ट में मिला था, न्यू टेरेस गार्डन एंड संजय पटेल ने मुझे गिफ्ट में दिया था। उन्होंने मुझे काफ़ी प्लांट दिए थे और इसमें से दो में से उस इसमें मैंने दो प्लांट लगाए थे, तो दो में से तीन प्लांट बन गए हैं। तो एक एयर प्लांट एक ऐसा है कि बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है और आप ऐसे गमले में भी लगा सकते हो, और दूसरा आप इसको हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हो। हैंगिंग बास्केट में बहुत खूबसूरत दिखने वाला ये प्लांट है और हमारे घर की हवा को शुद्ध करने वाला प्लांट है, तो इसे इस प्लांट को हमें ज़रूर से लगाना चाहिए। नर्सरी में से आप जाओगे तो कहीं 40-50 रुपये में मिल जाता है आपके शहर, और मतलब इसी हिसाब से इस प्लांट की रेट होती है। हमारे यहाँ 40-50 रुपये में मिलता है, लेकिन ये प्लांट मुझे गिफ्ट में मिला था, इसलिए मैंने उसकी पहले आती है मिट्टी, तो मैंने वेल ड्रेन मिट्टी बनाई है कि इसमें पानी ठहरे नहीं, और जब तक पानी सूखे नहीं तब तक भी हमें पानी नहीं देना है। हमारे काफ़ी प्लांट मर जाते हैं तो उसकी वजह होती है ओवर वाटरिंग। हमारा प्लांट ओवर वाटरिंग की वजह से ज़्यादा मरता है, और अंडर वाटरिंग करोगे तो क्या होता है, प्लांट मरने की और फंगस होने की चांसेस कम होती है। कभी हमने 2-3 दिन में पानी नहीं डाला होता है और बाहर जाते हैं तो प्लांट को पानी देना छूट जाता है, तो जैसे ही हम आते हैं और पानी देते हैं तो तुरंत हमारा प्लांट जीवित हो जाता है। तो मतलब हमें पानी का खास ख्याल रखना है। और इसमें तो ऐसा कोई आता है ऐसे छोटे छोटे इसमें फूल आता है, पर आप इसको नाइट्रोजन रिच कोई भी फर्टिलाइजर दे दोगे तो अभी चलेगा। तो जब आप इसकी मिट्टी बनाओ तो एक भाग मिट्टी, एक भाग सॉइल और एक भाग कोई भी कंपोस्ट ले देना, तो आपको बार बार इसको खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और स्पाइडर प्लांट में एक में से अनेक प्लांट हो जाता है, इसमें से बेबी प्लांट भी निकलता है और दूसरा उसमें से एसिडेंटी के रूप में भी बहुत सारे आपको बेबी प्लांट मिलेंगे। तो आप इसको कटिंग करके भी अच्छे से ग्रो अकेले सैंड में ग्रो कर सकते हो, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि कटिंग पिंचिंग कुछ नहीं करना है और आप एक में से अनेक प्लांट कैसे बना सकते हैं। आप देख सकते हो ऑलरेडी एक ही डंडी पे बहुत सारे प्लांट आए हैं, तो क्या हम इसको अकेली सैंड में भी ग्रो करेंगे ना, तो भी ग्रो हो जाता है। पर कभी कभी पानी ज़्यादा और कम या सूर्य प्रकाश की वजह से हमारे और कहीं हमारी गलती की वजह से भी ये प्लांट हम सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आपको ऐसा आइडिया दूंगी कि आपको कुछ नहीं करना है और आपको एक में से अनेक प्लांट तैयार कैसे कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने ये वेस्ट मटेरियल जो श्रीखंड आता है, मस्ती दही अमूल का श्रीखंड का जो मेरे पास डिब्बा पड़ा था वो मैंने लिया है और मैंने इसमें अकेली सैंड भर दी है, क्योंकि सैंड में जब हम कोई भी प्लांट ग्रो करेंगे तो क्या होता है कि जल्दी से इसके अंदर से जड़ निकलती है, तो इसके अंदर उसको ज़्यादा हवा और खुली खुली मिट्टी होने की वजह से जल्दी से उसमें जड़ आ जाती है और हमारा प्लांट अच्छे से सर्वाइव कर पाता है और जल्दी से अपनी जड़ को निकाल पाता है। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही हमारे प्लांट को बिठा देना है। ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा अपने यहाँ पे, ये भी इसमें जगह बना लेगा। आप खाली ऐसे ही रख दोगे तो भी अपने प्लांट अपने आप इसमें से जड़ निकालने शुरू कर देगा। और एक में से मैं आपको अच्छे से करके दिखाती हूँ। तो देखो फ्रेंड, मेरे सारे बेबी प्लांट जो निकले थे ये मैंने ऐसे ही सैंड में बिठा दिया है।
ये दो है, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, वो भी मैं उसमें बिठा दूंगी। यहाँ भी मैंने बिठा दिया है और यहाँ भी मैंने बिठा दिया है। तो बिना झंझट, बिना मेहनत, बिना डरे हुए एक में से अनेक स्नेक प्लांट आप ही ऐसे बनाओ और अपने गार्डन को बड़ा पाओ। तो मेरा आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा, एक अच्छी सी कमेंट करना और लाइक करता है। तो चलो फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।